हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम मैथ देखने वाले हैं जिसमें हमको देखना है भिन्नों का जोड़ और घटाना। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से तो कुछ वैसे आना नहीं है, लेकिन आपके आगे के क्वेश्चंस के लिए बेसिक तैयार किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को जब तक कंसेप्टली समझेंगे नहीं, तो आगे के पैटर्न को करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमने इस पैटर्न को डाला है। तो इसमें है, देखिए, भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे? दो संख्याएं देंगे, तीन संख्याएं हैं, 4/2, 3/8 और 5/4। इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो इसका देखिए, सबसे पहले ये जो पैटर्न है, यह है कि पहले आप नीचे की तीनों संख्याओं का लॉसा लेंगे। नीचे की जो तीन संख्या उनका लॉसा लेंगे। तो लॉसा निकालने के लिए हम सबसे पहली बड़ी संख्या को देखते हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या इसमें 8 है। अगर 8 को 4 भी काट रहा है और 2 भी काट रहे हैं, यानी कि जो बची हुई दो संख्याएं, ये दोनों अगर इसे काट रही हैं, तो वही आपका लसो होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये ना काट रहा हो, तो हम 8 का ही गुणनखंड लेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक हमको इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या न मिल जाए। अगर आप वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2, 8, 4, जैसे हमने आपको एलसीएम लेने के लिए बताया था, इस पैटर्न से आप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 8। अब देखिए क्या करना है। तो 8 आ गया आपका, ये लॉस है, नीचे की संख्या हमको मिल गई। अब हमको आगे की संख्या देखना है। आगे की संख्या के लिए हमको करना क्या है, ये जो 2 आप देख रहे हैं, इस 2 से पहले हम इस 8 को काटेंगे, इस 8 को काटेंगे और जो हमको प्राप्त होगा उसी से हम 4 का गुणा करेंगे। तो देखिए, 2 से जब हम 8 को काटेंगे, तो 2 × 8 4 मिल रहा है। अब उसी 4 का हम 4 में गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 4 × 16। निशान प्लस का है, तो यहाँ प्लस लगेगा। फिर अगली संख्या है, अगली संख्या देखिए 8 है। 8 को हम जब 8 से भाग देंगे, तो 1 आएगा। उस 1 का गुणा करेंगे, तो हमारा यहाँ पर है 3। 3 में 1 का गुणा करेंगे, तो 3 ही आएगा। फिर प्लस का निशान है, तो निशान हमारा जोड़ता लगेगा। फिर अगली संख्या देखिए क्या है, 4 है। 4 को जब हम 8 से काटेंगे, तो 2 आएगा। 2 का गुणा जब हम 5 में करेंगे, तो हमारा आएगा 10। देखिए, इतना हो गया, इतना सॉल्व हो गया। अब इसके आगे करना है, इसके आगे करना क्या है, अब देखने सीधे सीधा सवाल हो गया। अब ऊपर की संख्याओं का आप जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे, तो आपको मिलेगा 10 × 29 × 8। यह 8 आ गया, लेकिन अब नियम के साथ ये अनुचित भिन्न है, क्योंकि उचित भिन्न में नीचे बड़ा ऊपर छोटा होता है, अनुचित भिन्न ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो आपका देखिए, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो यहाँ पे अनुचित भिन्न है। तो इसको हम मिश्र भिन्न में बनाएंगे। तो मिश्र भिन्न में बनाने का जो नियम है, वो ये है कि पहले हम इसको भाग देते हैं। भाग कैसे देंगे, 29 का भाग 8 से देंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, 29, हमको 8 का भाग देना है, तो 8 का पाठ हम 3 बार पढ़ेंगे, 8 × 3 = 24। यहाँ पे लिखते हैं 8 × 3 = 24। तो देखिए कितना आ रहा है आपका, शेषफल आ रहा है। अब घटाएंगे, 9 में से 4 गया तो 5। तो अब इसको हम के देखिए लिखेंगे, हमारा पूर्ण संख्या 3 मिल गया, 3 सही 5 हम जो शेष हमारा बचता है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, और 8 3 सही 5/8, ये हमारा जोड़ने पर हमारा ये आया है, ये हमारा है आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी बेस पे एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 1/2 + 2/3 + 5/6, इनको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने कहा था कि हम एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम लेंगे। लेकिन देखिए, हम सबसे बड़ी संख्या को अगर एलसीएम के रूप में लेते हैं, तो हमारा 4 उसे नहीं काट रहा है, यानी कि 4 से 6 नहीं कटेगा। 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 का ही गुणज ले जाएंगे, या फिर आप इस विधि से निकाल सकते हैं एलसीएम। हम 6 का गुणज लेते हैं, 6 × 6 = 12। अब देखिए, 12 को 6 तो काट रहा है, 4 काटेगा, बिल्कुल काटेगा, 4 × 3 = 12, 2 भी काटेगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया हमारा 12। अब देखिए क्या नियम है, अब ये नियम है कि 2 से हम 12 को काटेंगे, तो 2 से 12 को काटेंगे, तो हमारा आएगा 6। 6 का 1 में गुणा करेंगे, तो 6 × 6 प्लस, फिर 4 का हम भाग देंगे, 4 को भाग देंगे 12 से, तो कितना आएगा हमारा 3। 3 का गुणा करेंगे 3 में, तो आएगा 3 × 3 = 9 आ गया प्लस। फिर देखिए है 6, यहाँ 6 से 12 को काटेंगे, तो आएगा 2। 2 का हम गुणा करेंगे 5 में, तो आएगा हमारा 10। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये पैटर्न हमको सिंपली जोड़ना है, जोड़ देंगे तो हमारा
हमारा आ जाएगा 25, 25 बटे 12। फिर देखिए आपको वही वही चीज मिला है अनुचित भिन्न, तो वही क्रिया हम यहाँ पर भी दोहराएंगे, कर लेते हैं। 12 से भाग देंगे 25 को, 12 दूना 24, आपका एक अशेष। हमारी ये पूर्ण संख्या है 2, शेष को ऊपर लिखते हैं और इसको नीचे लिखेंगे, तो ये हमारा आ गया आंसर। यानी कि हमने 1/2, 3/4 और 5/6 को जोड़ा तो हमारा 2 से ही 1/12 आंसर आ गया। देखिए आ गया है भिन्नों का घटाना। भिन्नों घटाना में देखिए हम लेते हैं, पहले लेते हैं 6/7 माइनस में 5/6। अब इसको करना है तो यहाँ पर भी देखिए वही पैटर्न चलेगा। पहले हम दोनों संख्याओं का लॉसा लेंगे, तो हम दोनों संख्याओं का लॉसा लेंगे तो 42 आएगा, क्योंकि हमको ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिससे 7 भी काटे और उसे 6 भी काटे, तो हमारा 42 ही आता है। दोनों को गुणा करने पर 42 आएगा, जिसे 6 भी काटेगा और 7 भी काटेगा। तो देखिए फिर क्या करेंगे, 6 से काटेंगे हम 7 से काटेंगे 42 को, तो जब हम 7 से 42 को काटेंगे तो हमारा आएगा 6, और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 6 बार तो हमारा आएगा 36, 6 चाह के 36, जो निशान है वही निशान लगेगा माइनस का। फिर 6 से काटेंगे हम 42 को तो हमारा आएगा 7, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 5 बार तो 5 × 7 = 35। देखिए फिर वही सिंपली तरीका है, हमारा पूरा पैटर्न आ गया, वही घटा देंगे तो हमारा एक आएगा 1/42। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा है आंसर। अब देखिए इसी तरह का एक दूसरा सवाल देख लेते हैं, दूसरा सवाल देते हैं हम भिन्न में मिश्र में देख लेते हैं। अगर हमको मिल जाए 3 सही 2/3 माइनस में 11/9, ये मिलता है हमें, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे पहले हम इसको साधारण भिन्न के रूप में बनाएंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, फिर में 2 जाए 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, 11/3 जो नीचे का अंक है वही रहेगा 3 − 11/9। देखिए ये आ गया, फिर यही पैटर्न यहाँ पर भी हम दोहराएंगे, हमको अब इसका देखना है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे पहले, तो 9 और 3 का एलसीएम 9 ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3 काट रहा है 9 को, 2 अंक है यहाँ पर, तो ये 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर 9 3 से हमको 9 काटना है, तो 3 आएगा और 3 का पहाड़ा जब 11 बार पढ़ेंगे तो 11 × 3 = 33, माइनस का निशान माइनस है। फिर 9 का पहाड़ा हमने जब 9 से 9 को काटा तो 1 आया, तो 1 का पहाड़ा जब हमने 11 में पढ़ा तो 11 आया, तो हमारा आया 22/9, 22/9 यही हमारा आंसर है। अब इसको हम मिश्र भिन्न, क्योंकि हमारा ये अनुचित भिन्न है, फिर इसको हम वही पैटर्न लगाएंगे, अनुचित वो बनाएंगे मिश्र भिन्न में बनाएंगे, तो हम करेंगे 22/ जब 9 को काटेंगे तो हम ऐसे काटेंगे, तो 22 का पहाड़ा 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 9 × 2 = 18, शेष हमारा आएगा 4, तो हम क्या करते हैं इस शेष को ऊपर लिख देते हैं और 9 नीचे, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स अगला, अगर जोड़ और घटाव दोनों एक साथ आ जाए किसी सवाल में तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे दे दिया 6/5 माइनस 4/9 अब प्लस 11/15, तो यहाँ देखिए क्या क्या है, 6/5 माइनस है 4/9 प्लस 11/15। अब फिर वही नियम है पहले, तो हम यहाँ पे सबका लॉसो लेंगे, तीनों संख्याओं का लॉसो लेंगे, तो आप तीनों संख्याओं का लॉसो चाहे इसके आधार पे कर लीजिए, या फिर आप गुणनखंड विधि से जो रखने हैं भाग विधि से करने का तरीका है वो कर लीजिए। तो यहाँ पे आएगा 45, क्योंकि देखिए 15 हम सबसे बड़ी संख्या 15 है, 9 उसे नहीं काट सकता, 5 भी, तो इसमें 15 का आगे का गुणज लेंगे, तो 15 × 30 = 30, 9 से नहीं कटेगा, 15 × 3 = 45, 45 देखिए 9 से भी कट रहा है और 5 से भी, तो ये हमारा हो गया 45। अब हम फिर वही पैटर्न अपनाना, हमको 5 से हम पहले 45 को काटेंगे, 9 आता है, 9 का पहाड़ा हम 6 में पढ़ेंगे, 9 × 6 = 54, यहाँ पे आ गया 54। फिर हमारा निशान यहाँ पे माइनस का है, निशान पर यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे निशान हमारा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा। फिर देखिए 9 से हम 45 को काटेंगे, 9 से हम 45 को काटेंगे तो हमारा आएगा 9 × 5 = 45, 5, तो अब 5 का क्या करें, 5 का गुणा करेंगे 4 में, 5 × 4 = 20,
फिर देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है, तो हमारा निशान जाएगा प्लस का। अब हमको काटना है 15 से 45 को, 15 तीन 45 आया, 3 3 का पढ़ा हम 11 बार पढ़ेंगे तो आएगा हमारा 33। देखिए यहाँ पे एक पक्षांतर जैसी क्रिया होती है, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है, इजी है। तब क्या करेंगे, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता उसे हम प्लस मानते हैं। तो ये हमारी प्लस की संख्या और ये हमारी प्लस की संख्या, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए कितना आता है, 4 3 7, 5 3 8, माइनस में 20, 20 अकेला है तो 20, ये आ गया 45। फिर हम इसको घटा देंगे तो हमारा आएगा 67/45। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसे हम पहले अनुचित भिन्न है तो इसे अगर मिश्र भिन्न में बनाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/22/45। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें।